क्रिकेट दुनिया में खेला जाने वाला दूसरा बड़ा खेल है जिसको करोड़ों लोगों में पसंद किया जाता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट की तारीख में लगाए गए 10 सबसे लंबे छक्कों के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको क्रिकेट से मुतल्लिक तमाम अपडेट्स आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मौसूल हो सकें। नंबर 10, MS धोनी का शुमार क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन फिनिशर्स में होता है। इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। दुनिया के सबसे लंबे छक्कों की लिस्ट में MS धोनी का छक्का नंबर 10 पर आता है। 2012 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक कॉमनवेल्थ सीरीज खेली गई जिसे भारत ने जीता, लेकिन इस सीरीज में लगाया जाने वाला 112 मीटर लंबा छक्का आज भी भारतीय क्रिकेट फैंस के दिमाग में मौजूद है। नंबर 9, इजाज अहमद एक रिटायर्ड पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं। पाकिस्तान में हजारों लोग ऐसे हैं जो शायद इस शानदार खिलाड़ी से वाकिफ ही नहीं, इनके बारे में ज्यादा बात भी नहीं की जाती। सन 1999 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मोहाली के शहर में एक मैच खेला गया जिसमें इजाज अहमद ने सौरभ गांगुली को एक शानदार लंबा छक्का मारा जिस छक्के की लंबाई 115 मीटर लंबी थी। That's a really big one. That is a very, very big one. Remember, this is not a very small ground. That was a huge hit. Number 8. कोरे एंडरसन न्यूजीलैंड के एक जारहाना बल्लेबाज हैं। 19 जनवरी 2017 को न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान नीपिर के शहर में एक वनडे मैच खेला गया जिसमें कोरे एंडरसन ने 122 मीटर लंबा छक्का लगाया जो कि स्टेडियम से बाहर जाकर गिरा। Oh, that stays hit. That is a massive blow again. And for the second time he puts it on the roof. Wow. This virtual showing us how far. 122 meters. Number 7. क्रिस गेल वेस्ट इंडीज और दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज हैं जिनको इनके जारहाना अंदाज की वजह से कई नामों से भी नवाजा गया, जैसा कि गेल स्ट्रॉन्ग, यूनिवर्स बोस। 2010 में ICC वर्ल्ड T20 में क्रिस गेल ने दुनिया का सबसे बड़ा छक्का लगाया जिसकी लंबाई 124 मीटर थी। नंबर 6, 2011 में एक बार फिर क्रिस गेल ने एक बहुत ही बड़ा 126 मीटर लंबा छक्का लगाकर अपने ही पिछले छक्के का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। नंबर 5, शाहिद अफरीदी से तो सभी वाकिफ होंगे, इनका शुमार क्रिकेट की तारीख के खतरनाक खिलाड़ियों में किया जाता है। ये अभी भी एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी टीम को मैच जितवाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान शाहिद अफरीदी ने एंड्रू साइमंस को एक लंबा छक्का जड़ा जिसकी लंबाई 130 मीटर थी। That's a that's one of the biggest hits you'll see. Why would you want to bucking your way and improvising? Just a full swing of the bat right through the line of the ball, a proper cricket shot and it disappears for 12. Well, he'll only get number 4. MS धोनी एक बार फिर हमारी लिस्ट में आते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच के दौरान MS धोनी ने अपने क्रिकेट करियर का सबसे लंबा छक्का लगाया जिसकी लंबाई 135 मीटर थी। Supporters around us, they're on their feet. They fancy their chances when that one went up in the air. Number 3. दुनिया क्रिकेट में ब्रेट ली को एक तेज रफ्तार बॉलर के तौर पर जाना जाता है। 2005 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के दरमियान ब्रिस्बेन में एक टेस्ट मैच जारी था जब ब्रेट ली का सामना वेस्टइंडीज के बॉलर डेरेन पाउल से हुआ। ब्रेट ली ने एक गेंद पर 143 मीटर लंबा छक्का मारा कि गेंद सीधी ग्राउंड से बाहर जा गिरी। Oh, that's crunched. When he hits them, they go a long way. It's at the top. That made a magnificent. Him and his daughter were walking in, nearly got hit. Nearly wore the kookaburra. But what about the sound off the bat? Oh, it was a great shot. Number 2. अल्बर्ट रोड एक बहुत ही पुराने टेस्ट क्रिकेटर हैं, जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला करते थे। 18वीं सदी के अंदर
सन 1979 में अल्बर्ट ट्रॉट ने लॉर्ड्स पवेलियन में खेलते हुए 150 मीटर लंबा छक्का लगाया, जिसकी बदौलत वो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। नंबर 1, दुनिया का खतरनाक तरीन बल्लेबाज एक बार फिर हमारी लिस्ट में वापस आता है। शाहिद खान अफरीदी को छक्कों का बादशाह भी कहा जाता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे इंटरनेशनल के दौरान शाहिद अफरीदी ने 17 मार्च 2013 को क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा छक्का लगाया, जिसकी लंबाई 158 मीटर थी। ये छक्का आज भी क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा छक्का माना जाता है। He smashed it miles. Wow, that's right on top of the roof. That would have gone into the golf course. It might have gone into the golf course. On the roof, bounced over the top, into the golf course. And it's not a hole in one, but it deserves more than six. दोस्तों, आपके ख्याल में वो कौन सा क्रिकेटर होगा जो आने वाले वक्त में शाहिद खान अफरीदी के इस छक्के का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट में करें।